नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निकायों के 12 बिंदुओं की जानकारी लेने आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन व अर्बन लोकल बॉडी सुनील कुमार यादव ने नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। इस दौरान नगर निकायों के निरीक्षण में मिली कमियों को दूर करने की पर भी चर्चा किया। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सभागार में आजमगढ़ व सुल्तानपुर के नोडल बनाए गए डिप्टी डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन सुनील यादव ने जिले के नगर निकायों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डिप्टी डायरेक्टर ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के निरीक्षण में साफ सफाई, संचारी रोग, कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, ODF प्लस पानी सहित 12 बिंदु पर चर्चा की और जांच रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें नगर निकायों में पाई गई कमियों के बारे में अधिशासी अभियंता को इंगित करते हुए उनमें अपेक्षित सुधार लाने के 3 दिनों के अंदर निर्देश। बैठक के बाद डिप्टी डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन सुनील यादव ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और संचारी रोग सहित 12 बिंदु पर नगर निकायों और नवसृजन नगर निकायों का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो भी कमियां मिली उसे 3 दिनों के अंदर अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें बताया कि आजमगढ़ नगर पालिका कई बिंदुओं पर खरी उतरी है और अच्छा काम किया है। उन्हें कहा कि नाले का पानी नदी में गिरने से रोकने के लिए एक STP भी बनाया गया जो शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा और ये भी समस्या दूर हो जाएगी। तो बेसिकली ये स्वच्छता नगर सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा ये एक अभियान चलाया है, क्योंकि इधर संचारी रोग बहुत थे, डेंगू से प्रभावित काफ़ी लोग थे। तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक सारे अधिकारियों को टीम बना के फील्ड पे भेजा गया है कि जाके वहाँ निरीक्षण करें, जो कमियाँ हैं उसमें वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके उनको पूरा करें। तो ये जो अभियान चला था 1 नवम्बर से लेकर 30 नवम्बर तक का है। तो प्रथम चरण में मैं गया था मऊ, तो मऊ जाके वहाँ पे अपना पूरा देखा गया था डेंगू प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ का निरीक्षण भी किया गया और वहाँ पे प्रभावशाली तरीके से जो कमियाँ थी इंगित करते हुए वहाँ कार्रवाई कराई गई, प्रशासन का सहयोग लिया गया, इस तरीके की चीज़ें की गई। दूसरे चरण में 15 तारीख से फिर नोडल ऑफिसर्स को भेजा गया, मुझे सुल्तानपुर और आजमगढ़ दिया गया। तो ये दूसरे चरण में ये था कि 12 बिंदुओं पे कंप्लीट समीक्षा थी, जिसमें नवसृजित निकाय थी उनके बारे में पूरा अपना जानकारी थी, सफाई व्यवस्था से संबंधित, संचारी रोगों से संबंधित चीज़ों के बारे में समीक्षा की गई और मैं निरीक्षण पे भी गया, काफ़ी निकायों में निरीक्षण भी मैंने किया। वहाँ पे जो कमियाँ पाई उसको इंगित भी किया गया है, उस पर प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई करने की भी स्थिति है और उनको निर्देशित भी किया गया है कि इस पर सुधार करते हुए त्वरित 2-3 दिन में हमको रिजल्ट इसका दें, ताकि शासन प्रशासन में एक इसका अच्छा जो है इम्पैक्ट जाए और लोगों को, जन समुदाय को अपना एक सुविधाएं प्राप्त हो पाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।